प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। आज के इस व्लॉग में मैं पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे सोया चाप बनाने वाली हूँ। हम लोग सोया चाप के फ़ैन नहीं हैं क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, पर हस्बैंड वेजिटेरियन हो चुके हैं एंड वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके। मुझे नहीं लगता कि आज हम खा लेंगे तो नेक्स्ट टाइम कब खाएंगे। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी जो यूज़ करके आज हम सोया चाप बनाएंगे। सो हम लोग बनाएंगे तंदूरी स्टाइल सोया चाप एंड तंदूरी पनीर। उसके साथ होगी ग्रीन चटनी जो ऑलरेडी मैंने बना के फ्रिज में रखी है एंड मैं सोच रही हूँ कि उसके साथ एक पास्ता सैलड भी बना लेते हैं मैक्रोनी, एंड ऐसे हमारा पूरा प्यारा डिनर का मील तैयार कर लेते हैं। एंड आपके साथ मैं थोड़ा सा रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं सोया चाप को मैरिनेट करने वाली हूँ। सोया चाप को मैरिनेट करके आपको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी होता है। आधा घंटा रखें एंड देन आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता है। मुझे लगता है कि ग्रिल करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फ्राई करने से। सो लेट्स डू इट। सो क्वालिटी ब्रांड के ये कैन वाले सोया चाप यूज़ करेंगे। इसको मैंने कैनेडियन सुपर स्टोर से ख़रीदा है। इसको हम अच्छी तरह वॉश करके लंबे तरीके से काट लेंगे ताकि ग्रिल पे आसान हो जाए कुक करना। उसके बाद मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं दही यूज़ करने वाली हूँ। आप इसको हैंग भी कर सकते हैं क्योंकि जितना गाढ़ा होगा उतनी कोटिंग अच्छी होती है, पर ये जो मैं दही यूज़ करती हूँ काफ़ी ज़्यादा थिक है। सो सीजनिंग के लिए हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, मस्टर्ड ऑयल, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, वो ज़रूर से ऐड करें। एंड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसे हाथ से बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक चाप अच्छी तरह कोट हो जाए। इसी मिक्सचर में मैं पनीर भी ऐड कर लूँगी, पर पनीर को ऐड करने से पहले मैं उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए रखती हूँ। आप देखें यहाँ पे स्टीम छोड़ रहा है पनीर, क्योंकि उससे पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये काम ज़रूर से करें। अब इसको हम ग्लैड रैप करके फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी फ्लेवर सोक कर लेती हैं ये। सोया चाप को मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। मेरी किचन में क्लीनिंग की ज़रूरत है पर मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। पर मैं कुछ खाऊँगी भी नहीं क्योंकि अगर मैंने अब कुछ खा लिया फिर मैं अपना ये डिनर वाला मील नहीं खा पाऊँगी। पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने और चाय का एक प्यारा सा कप पीते हैं। आज जो थोड़ा ठंडा दिन है, आज बर्फ़ पड़ी है पहली बार एंड हिम्मत एंड हस्बैंड क्लीन कर रहे थे अर्लियर एंड अब हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों बर्फ़ के साथ प्ले करने के लिए पार्क में चले गए हैं एंड हिम्मत वो लेके आया था स्लाइड करने के लिए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उसका दोस्त दोनों चले गए हैं प्ले करने के लिए। अराउंड एक घंटा स्पेंड करेंगे वो पार्क। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't
don't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head. Oh, that's nice. कि चाय बनाते हैं पर मैं पूरी चाय नहीं पीना चाहता, तुम ऐसे करना है कि कम बताना, मैं थोड़ा सा पीऊँगा बाकी तुम पी लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये टी बैग वाली चाय को जब मैं कप्स में ट्रांसफ़र करती हूँ तो उतने में ठंडी हो जाती है, तो मैंने सोचा कि अपना कप ही उनको दे देती हूँ, शेयर कर लो, बाद में मुझे दे देना। दो तीन मिनट के बाद मैं वापस आई तो कप अद्धे सौ भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया, तो मैंने कहा कि अब तुम ही ख़त्म कर लो। पर मैंने सोचा कि तुम ही अपना पेट भर लो, इससे फ़ायदा क्या है, मुझे तो मिलेगा नहीं। सो वो है मेरी चाय की स्टोरी, एंड चौपट हो गई थी, एंड अब मैं अपने लिए अकेले के लिए बनाऊंगी प्यारा सा कपी कप। मुझे चाय के लिए तपाल यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, एंड इंडियन फ्लेवर के लिए या टी इंडिया यूज़ कर लेती हूँ मैं, इसमें मसाले का फ्लेवर होता है। पर मेरी तपाल टी ख़त्म हो गई है, पर मुझे तपाल का रंग बहुत अच्छा लगता है, इसका रंग उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं आता पर इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खुशबू अच्छी है, फ्लेवर मुझे लग रहा कि अच्छा है, पर चाय पत्ती से रंग नहीं है। इसका फ्लेवर ना अच्छा, इसका स्वाद मुझे अच्छा लगता है जब ये तपाल के साथ मिक्स हो जाती है, वैसे ही फ्लेवर अच्छा है पर बहुत ज़्यादा पतली, रंग भी ना सोना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट किस्म की है। पर सो पास्ता हो चुका है, इसको मैंने ठंडे पानी में रखा है ताकि कुकिंग बंद हो जाए, और अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, देन हम इसका सैलड बनाएंगे प्यारा सा। सबसे पहले हम पास्ता ऐड कर लेंगे, और जो भी आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपको सब्जियां अच्छी लगती हैं आप वो डाल लें। मैं लेटस डाल रही हूँ एंड पेपर, इसमें वैसे ग्रीन पेपर भी मैं यूजली डालती हूँ क्योंकि अलग अलग से रंग बहुत अच्छे लगते हैं, पर आज मेरे पास ग्रीन पेपर नहीं है, शिमला मिर्च। सो हम रेड अनियन डालेंगे, ऑरेंज एंड येलो पेपर, एंड ऑल्सो लेटस, रोमेन लेटस है ये। अब सॉल्ट स्वाद के अनुसार डालेंगे, एंड खूब सारी पेपर भी, एंड थोड़ी सी हम इसमें रेड चिल्ली भी ऐड कर देते हैं, लिटिल बिट फॉर स्पाइसीनेस। सो काली मिर्च, सो मैं वो ऐड करूँगी, मैं दो टेबल स्पून, एक्चुअली 3 टेबल स्पून करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है। लिटिल टाइनी स्लाइस ऑफ लेमन, एंड इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, बहुत प्यारा डिलिशियस सैलड बनता है ये। और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये थोड़ा ठंडा ही अच्छा टेस्ट करता है, ज़रूर से ट्राई करना आप ये। हस्बैंड एंड हिम्मत अभी तक वापस नहीं आए हैं, आई थिंक आ गए।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਸਤਾ ਰੈਸਪੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੀਕਰਟ ਆ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 50 ਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ हस्बैंड को तो खिला दिया मैंने उनको अच्छा लग रहा है आज फर्स्ट टाइम हिम्मत भी खा रहा है अदरवाइज वो इतना बड़ा फैन नहीं है पनीर टिक्के का या फिर सोया चाप हम सभी नहीं खाते पनीर चटनी वेरी नाइस